बहुत सारे लोगों को जब पेट की प्रॉब्लम्स बहुत लंबे टाइम से चल रही होती है, तो ज्यादातर लोग तो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि आखिर पेट के प्रॉब्लम्स अगर हो रहे हैं तो उसके कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। बेसिकली सिम्टम्स के ऊपर काम करते रहते हैं कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन ली, गैस बन रही है तो गैस की मेडिसिन ली, एसिडिटी अगर हो रही है तो एसिडिटी ले ली, अनचाहा वेट लॉस हो रहा है, एक नया सिम्टम देखने के लिए मिला है आजकल लोगों में कि ब्रीदिंग में इश्यूज आते हैं, यानी सांस जब लेते हैं तो सांस खुल के नहीं आता, सांस खींचना पड़ता है। और इन सारे सिम्टम्स को लोग जो है कनेक्ट करते हैं आईबीएस के साथ। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि आपको आईबीएस है तो 1 मिनट के अंदर आप गूगल खोल के बैठ जाएंगे और देखने लग जाएंगे कि आखिर आईबीएस भैया है क्या। ये सारे सिम्टम्स आईबीएस के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एलोपैथी। अगर एलोपैथी आपको बोलता है कि ये सारे सिम्टम्स आईबीएस के हैं और आपको आईबीएस की समस्या हो गई है, तो सबसे पहले आपको जरूरत है कि आप अपनी बॉडी का फिजिकल चेकअप कराएं, और फिजिकल चेकअप होने के बाद तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये सच में आईबीएस ही है या किसी और तरीके का टेक्निकल इश्यू है। जब तक इन टेक्निकल इश्यूज के ऊपर आप काम नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो सकती। अब बात आती है कि टेक्निकल इश्यूज आखिर क्या आ सकते हैं। एक हमारे भारतीय परंपरा के अंदर एक बहुत ही बेसिक चीज होती है जिसको बोलते हैं नाभि। नाभि की समस्या जब भी आती है तो ये सारे सिम्टम्स को जो है साथ लेकर के आती है, यानी लोगों को पेट दर्द की समस्या आ जाएगी। जरूरी नहीं है ये सारे सिम्टम्स सब में आए, लेकिन कुछ कुछ सिम्टम्स सब में आ सकते हैं, जैसे पेट दर्द की समस्या, गैस की समस्या, रेगुलरली एसिडिटी बने रहना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या। कॉन्स्टिपेशन भी 2 से 3 टाइप का हो सकता है इसमें, या तो प्रॉपर मोशन हो ही नहीं रहा, अगर हो रहा है तो दिन में 2-3 बार जाना पड़ रहा है, बंद के पास नहीं हो रहा, खाना खा लिया, खाना खाने के तुरंत बाद मोशन जाना पड़ रहा है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन में ही एक तरीके से काउंट किया जाता है। और अनचाहे तरीके से वेट लूज होना, यानी अगर वजन अगर आपका बार बार गिर रहा है और लगातार गिरता जा रहा है, तो नाभि की समस्या आपको हो सकती है। नाभि को चेक करा लीजिए एक बार, नाभि अगर एक बार आपकी ठीक हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, तो ये सारे सिम्टम्स धीरे धीरे करके अपने आप खत्म होंगे।